मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। संदीप जसवाल नमस्कार, मैं हूँ आनंद प्रकाश और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम लोग गुटनी प्रखंड के बलुआ पंचायत में उपस्थित हुए हैं। हमारी टीम यहाँ आई है, यहाँ पर एक रैली टाइप की मुझे दिख रही है जिसमें बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से, पैदल गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। कारण क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। हालांकि देखने को तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ये कोई प्रत्याशी हैं जो अपनी समर्थन है वो दिखा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, आनंद जी को अपना मुखिया बनाने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग का कोशिश है और हमारे समाज का भी पूरा कोशिश है कि एक गरीब आदमी को इस बार मुखिया बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंकिंग के लिए बहुत सारा घपलाबाजी होता है। लेकिन आज सारे गरीब लोग और सारे समझदार लोग इकट्ठा हुए हैं और अपना प्रत्याशी चुने हुए हैं, अपना गिरजानंद जी को और संदीप जायसवाल जी को, जिनका युति हुआ है और यहाँ पे भारी समर्थन है लोगों का और इस बार गिरजानंद जी को मुखिया बनाए। तो ये गिरजानंद जी मुखिया के प्रत्याशी हैं और इसमें संदीप जायसवाल का नाम क्यों आ रहा है? जी, संदीप जायसवाल जी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक व्यक्तिगत तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग का मानना भी है कि भाई गिरजानंद जी हैं ये एक ईमानदार, यहाँ पे आज तक हम ये है प्रत्याशी है, 20 सालों से आज तक इलेक्शन नहीं जीत पाए। उनका प्रॉब्लम यही है कि वो ना किसी को खिलाते हैं ना किसी को पिलाते हैं, कमजोरी इनकी यही है और यहाँ पे जो इलेक्शन जीतता है वो खिलाने पिलाने के भरोसे पे। क्या इस बार ये सोच लिए हैं कि हम भी खिलाएंगे पिलाएंगे? नहीं सर, ऐसा कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आज तक इनके ईमानदारी का एक यहाँ पे साबित हुआ है कि आज तक इस पंचायत में ऐसा कोई व्यक्ति है जो गिरजानंद राजभर जैसा है कि जो आज तक किसी को कुछ खिलाया नहीं। ये अभी जो आप सुन रहे हैं क्या ये सही है? सही है। आप भी हैं गिरजानंद जी के साथ? सही है। और यहाँ पे जो संदीप जायसवाल हैं ये कौन है? वो भी प्रत्याशी थे लेकिन उनका सपोर्ट दिए हैं, सपोर्ट गिरजानंद को कर रहे हैं। अच्छा, गिरजानंद कर रहे हैं जी। तो इन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पे सपोर्ट कर, क्या उनके साथ जन समर्थन नहीं है? जन समर्थन, जन समर्थन। संदीप जायसवाल के बाद क्या लग रहा है, किसका समर्थन कर रहे हैं? गिरजानंद भाई का। गिरजानंद, गिरजानंद भाई का। गिरजानंद का सपोर्ट कर रहे हैं जी, जी। और पूरे जन समर्थन के साथ कर रहे हैं जी। वो उन पे हावी हो जाएंगे और फिर वो सारा काम अपने हाथ में ले लेंगे, ऐसा है या प्यार से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो काम होगा गिरजानंद के हाथ से ही होगा जी, वो समर्थन वो कर रहे हैं जी, इससे कुछ जानकारी कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि वो अच्छे आदमी है? अच्छे आदमी है, उनके साथ लोग हैं जी। अच्छा, वो अगर खुद लड़ते तो क्या वो जीत पाते? गरीबों का मसीहा है, गरीबों का। क्या क्या किए हैं वो गरीबों के लिए? बहुत कुछ किया है। जैसे सामने खड़े हैं और उनसे ये बात पूछेंगे कि आखिर वो खुद ही मुखिया के प्रत्याशी थे तो 5 साल बाद फिर वो प्रत्याशी होते फिर दूसरे को समर्थन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले संदीप जायसवाल जी, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारी जानकारी। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित जो भी है सबको सत्सत नमन है और मेरे बारे में अभी बताने के लिए क्या है, एक एक बच्चा जानता है। मैं एक समाज सेवी हूँ, समाज का सेवा करता हूँ, यही मेरी पहचान। लोगों ने बताया कि आप गिरजानंद जी के का समर्थन कर रहे हैं, क्या सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है। आखिर ऐसा निर्णय आपने क्यों लिया? जी ये निर्णय मुझे लेना पड़ा अपने जनता के लिए कि हमारे जनता को, जनता के साथ फिर कोई अहित नहीं हो, इसलिए ये जो इस बार का मुखिया जो भी बने वो जनता के हित में रहे, गरीबों का उद्धार करे। मैं भी यही सोच करके आया था लेकिन किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया तो मैंने इनको सेलेक्ट किया कि ये व्यक्ति हैं जो मेहनत करते हैं और जो उचित काम होगा वही करेंगे।
क्या आपको उम्मीद है कि जो एजेंडा आपका था उस पर ये काम करेंगे? जी, हमारे और इनके बीच इसी बात को लेकर के हम इनका समर्थन कर रहे हैं। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है कि ये दूसरे पार्टी से हैं, हम दूसरे पार्टी से हैं। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात है कि इस पंचायत की जो जनता है उनके लिए जो भी हम लोग बेहतर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करेंगे ताकि जनता के साथ फिर ये सत्ता किसी और के हाथ में जा कर के जनता का कुछ अहित ना हो। इसलिए हमने इनका साथ दिया है और इन्हीं वादों के साथ साथ दिया है कि इनका कोई एजेंडा या मेरा कोई एजेंडा नहीं। जो जो सरकार के तरफ से जो कुछ भी अपने जनता के लिए आएगा वो पूर्ण रूप से और संपूर्ण रूप से मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। इसी सब वादों के साथ इनसे हम हाथ मिलाए हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। अभी लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अपार जन समर्थन संदीप जायसवाल जी के पास है और वो गिरजानंद के साथ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जीत निश्चित हो गई है। अभी लोगों ने मुझे कहा, मैंने ऐसा सुना, क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी देखिए, लोग कोई भी व्यक्ति है अगर इस फील्ड में आया है तो हर कोई यही सोचता है कि मैं विनर हूँ, मैं जीतूंगा इस बार, हर किसी को लगता है। लेकिन जनता कह रही है कि हम तो संदीप जायसवाल को, यहाँ पर जो भी उपस्थित जनता है, हमको जनता के हित में जो भी कदम उठाना पड़े उसके लिए तैयार हूँ। मैं अभी अपने जनता से पूछूंगा, जनता मुझे समर्थन देती है तो मैं इनके साथ, मेरा तो है अपने तरफ से, लेकिन जनता का भी साथ चाहिए क्योंकि जबरदस्ती आप किसी को कहीं नहीं ले जा सकते। जहां तक मैं अनुभव किया हूं, पूरा घूम करके जनता से, एक एक लोगों से पूछ करके, ये जनता का ही विचार है। अगर गिरजानंद जी मुखिया बनते हैं जी, और आपके जो लोग हैं जो आप पर भरोसा करके वोट दे रहे हैं जी, उनको कोई काम हो तो वो आपको ढूंढेंगे कि गिरजानंद जी को ढूंढेंगे? जी, ना गिरजानंद जी का जो कोई आदमी है ना हमारा कोई आदमी है, ये पंचायत के लोग हैं और ये पंचायत के लोगों के लिए हम दो आदमी हैं और दोनों कदम से कदम मिला करके रहेंगे। आप या बिरजानन को नहीं ढूंढ सकते या संदीप जायसवाल को नहीं ढूंढ सकते, आप किसी के पास जाइएगा तो दोनों साथ मिले। संदीप जायसवाल, दोनों लोगों से हमारी बात हुई, दोनों ने भरोसा दिलाया कि पंचायत की जनता ये ना सोचे कि हमें जरूरत पड़े तो संदीप जायसवाल के पास जाना पड़ेगा कि बिरजानंद के पास, ये दोनों लोग जनता के पास हमेशा उपस्थित रहेंगे, जिस परिस्थिति में जो ढूंढेगा उनके पास ये मौजूद रहेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही ये एक उचित इन लोगों का फैसला है और देखते हैं आगे क्या होता है, आगे तो जनता के हाथ में है। और जी जी, अभी जो यहाँ पर जनता है उन सबसे मैं आज्ञा चाहूँगा, अनुमति चाहूँगा कि मुझे, मैं बिरजानंद भाई का सपोर्ट करने जा रहा हूं, क्या आप लोग इससे एग्री हैं? चलिए अच्छा, और एक बात कह दूं कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो जो भी कार्यकाल होगा, जो हम जनता को अभी मुखिया के घर पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुखिया जो भी होगा वो जनता के दरवाजे पे खुद जाएगा। जैसे अभी कम से कम तीन जगहों पर हम लोग का ऑफिस का बात है, एक ग्यासपुर है, एक खड़ौली जो हमारा निवास स्थान है, और एक बलुआ जो हमारा यहाँ पर एक छोटा सा दुकान है साइबर कैफे, वो वहाँ पर जनता का सेवा उपलब्ध रहेगा, किसी भी टाइम जनता को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मुखिया होता है वो तो पंचायत भवन में बैठता है, उसके अलावा अपने जनता के बीच में सुविधा के लिए हर काम पंचायत भवन पर ही तो नहीं होगा। जनता के बीच में जनता का राय के लिए, बिल्कुल जनता को हम दौड़ने नहीं देंगे। जी जी, मैं समझ गया, जनता की सुविधा के लिए आप इतने जगह अवेलेबल रहेंगे जी, और सबको पता रहेगा कि अगर कहीं नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ मिल जाएंगे एकदम, और हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बलुआ पंचायत के प्रत्याशी बिरजानंद जी के समर्थक संदीप जायसवाल से, और बिरजानंद जी से उन्होंने क्या बातें कही आप खुद सुने। अब देखिए आगे जनता क्या करती है और बलुआ का विकास किधर जाता है। बहुत कुछ किए हैं, मरण में भी जीवन में भी, जिसके पास लकड़ी नहीं है पकाने के लिए, सब चीज करते हैं संदीप जायसवाल, सब चीज करते हैं। आपके घर ऐसा दुखद घटना हो जाए चाहे हमारे बलुआ पंचायत में, बेगर कहे हुए वो आते हैं, सब चीज व्यवस्था करते हैं। आपको लगता है कि आप लोग जिसका समर्थन कर रहे हैं वो एक अच्छा आदमी है? हाँ, 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 आपका नाम?
राहुल कुमार। आपका? चंद्रिका पासवान। चलिए बहुत अच्छा। तो अभी हम देखे, हम लोग देखे कि यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए थे वो निरानंद जी और संदीप जायसवाल जी के साथ हैं और अपार जन समर्थन आपको दिख रहा है। मैंने भी देखा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतने लोग क्यों हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई विधायक के लिए चुनाव की वोटिंग के लिए वोट मांग रहा हो, सब लोग कुर्सी लगाए हुए हैं ऐसे। तो ऐसा लग रहा है कि उनको जन समर्थन मिल रहा है, जनता उनको चाह रही है, जनता उनको चाह रही है। और संदीप जायसवाल अब हैं ब्रजानंद जी के साथ। हाँ, तो क्या आप लोगों को लगता है कि संदीप जायसवाल के आने के बाद ब्रजानंद जी जीत जाएंगे? चलिए, इनका कहना है कि अगर एकदम जीत जाएंगे तो हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ लोग चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि अब संदीप जायसवाल जी के आने से पूरा भरोसा हो गया है कि ब्रजानंद जीत जाएंगे और विकास करेंगे। तो हालांकि सब लोग कहते हैं विकास करेंगे, चलिए हम अब प्रत्याशी से बात करते हैं और ये जानते हैं कि वो क्या विकास करेंगे। तो ब्रजानंद जी प्रत्याशी आप हैं बरुआ पंचायत से, आपका चुनाव चिन्ह, पहले अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इतनी कड़ी धूप में, कड़कड़ाहट धूप में आप चलकर हमारे बलुआ पंचायत में पधारे, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्य समझूं या आपको, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि आप आए और आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद। हम लोग तो दूसरी न्यूज के लिए आए थे, लेकिन इतना ये भीड़ देख के हम सोचे कि आखिर हो क्या रहा है, पता लगाएं। तो पता चला कि आपके समर्थक लोग हैं ये और ये लोग आपके लिए वोट मांग रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।